नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, उनके भाई की हत्या कर दी गई। यूपी पुलिस, रिपोर्टर्स, मीडिया देख लिए, आम जनता सब मौजूद थे उनके सामने। देखिए अतीक अहमद और अशरफ की गोली मार के, 10 गोली मारकर देखिए हत्या कर दी गई। अब इस पर अखिलेश यादव का बयान आ चुका है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को, यूपी की कानून व्यवस्था को एकदम देखिए आड़े हाथों ले ही लिया है। योगी आदित्यनाथ का जो दावा था, भाजपा सरकार जो दावा करती है कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यूपी के में कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जो कि भाजपा इस बात का प्रचार करती है, तो उसकी पोल जो है वो अखिलेश यादव ने खोल दी है। क्या कुछ बोला है देखिए। जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी उसके बाद अखिलेश यादव का देखिए रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि उत्तर प्रदेश में अपराध की परिकाष्ठा पार हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। हालांकि देखिए कि इस ट्वीट में देखिए काफी कुछ बोला है, यूपी सरकार को इनडायरेक्टली देखे आड़े हाथों लिया। उन्होंने बोला है कि कुछ लोग जो है भय का यानी कि डर का माहौल बनाए जा रहे हैं, इतने कड़े सुरक्षा घेरे में कैसे देखिए कि 3 आरोपी आते हैं और दोनों आरोपियों की यानी अतीक अहमद, क्योंकि आपको पता है कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, तो उन दोनों की देखिए दिन दहाड़े देखिए ऐसे हत्या कर दी जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कानून व्यवस्था कहाँ है यूपी की, जिस बात की देखिए भाजपा जो है वो प्रचार प्रसार करती थी इतना, वो कहाँ है। तो इसलिए देखिए काफी क्वेश्चन उठते हैं। ये सवाल जो अखिलेश यादव ने करे हैं वो जेन्युइन भी हैं और हर कोई देखिए सवाल कर रहा है यूपी पुलिस से, योगी आदित्यनाथ से, कि आपका कानून व्यवस्था कहाँ है। क्या अगर ऐसे ही हत्या की जाने लगी, जैसे सरेआम देखिए कि चाहे आरोपी कोई भी हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे उसको उम्र कैद की सजा हुई हो या ना हुई हो, तो ऐसे मारना क्या जायज़ है? क्या कोर्ट, क्या न्यायालय, क्या जायज़ नहीं है? ये क्वेश्चन तो बनता है और आप हमें इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।